दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे हाथ में एक कार्बन K9 स्मार्ट का फोन है और ये मोबाइल जो है पूरी तरह से जो है बंद है, पूरी तरह से ये मोबाइल डेड है। ठीक है, तो चलिए हमें आपको इसका मॉडल नंबर दिखा देते हैं। आप यहाँ पे मॉडल नंबर पूरा कंप्लीट देख लें अच्छी तरह से। कार्बन टाइटेनियम K9 स्मार्ट और ये इसका जो वर्जन है, वर्जन आपको बता दूं दोस्तों कि 2020। ठीक है, तो दोस्तों इस मोबाइल को हम आज फ्लैश करेंगे बिना किसी बॉक्स के, और इसमें एक आपको टूल की जरूरत पड़ेगी और एक फ्लैश फाइल की जरूरत पड़ेगी। तो फ्लैश फाइल कैसे डाउनलोड करना है और किस तरह से डाउनलोड करना है, तो इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और आपको ये भी समझाने वाला हूँ कि कौन सी फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी चाहिए और कौन सी फ्लैश फाइल डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं कि आपको कि कौन सी फ्लैश फाइल आपके लिए सही होगी इस मोबाइल के लिए, तो वो भी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इस मोबाइल को फ्लैश करने के लिए एक SP फ्लैश टूल की जरूरत पड़ेगी, तो वो SP फ्लैश टूल भी जो आपको मिल जाएगा उसकी भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप उस SP फ्लैश टूल से जो है इसे फ्लैश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे SP फ्लैश टूल के बारे में भी बताने वाला हूँ कि आपको SP फ्लैश टूल में किस तरीके से आपको फ्लैश करना है, क्योंकि बहुत से आदमी जो है इसमें जो फ्लैश करता है और जो उसके क्या होता है उसके कारण उसका IMI जो है नल हो जाता है। ठीक है, तो आपको किस तरह से SP फ्लैश टूल में फ्लैश करनी चाहिए ताकि IMI जो है करप्ट ना हो और सही सलामत आपका मोबाइल जो कंप्लीट फ्लैशिंग हो जाए और आपका मोबाइल ऑन हो जाए, तो ये सब के बारे में भी आपको SP फ्लैश टूल में मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्नान YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है और अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है, तो आप इस घंटे को जरूर दबाएं। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं जो यहाँ पे गूगल के साइट पर आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पे मॉडल नंबर जो है टाइप कर दिया। तो मॉडल नंबर जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे बहुत सारी लिंक मिल रही है हमें जो अपने फ्लैश फाइल को डाउनलोड करने की। तो इसमें से आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है कार्बन टाइटेनियम K9 स्मार्ट स्टॉक फ्रेमेबल, ठीक है, रूम फ्लैश फाइल। ठीक है, तो ये दो लिंक हमें मिला है। ठीक है, और इस दो लिंक से हम जो फ्लैश फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले में चलिए हम चलते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि आपको जो है कार्बन K9 टाइटेनियम स्मार्ट का जो फ्लैश फाइल आपको डाउनलोड करना है वो कौन सा करना है, आपको कौन सा नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे 5-6 जो फ्लैश फाइल यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से आपको कौन सा डाउनलोड करना है कौन सा नहीं करना है। तो आप यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे V04 लिखा हुआ है। ठीक है, तो V04 लिखा हुआ है क्योंकि हमारे मोबाइल में जो है V04 नहीं है, तो हमें V04 डाउनलोड नहीं करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा यहाँ पे कि V09, ठीक है, इसे भी हमें डाउनलोड नहीं करना। चलिए और थोड़ा सा नीचे चलते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि V018, तो चलिए हमें इसे भी डाउनलोड नहीं करना है। और ये सारी फ्लैश फाइल कार्बन K9 स्मार्ट का ही है, लेकिन ठीक, लेकिन सबका जो वर्जन अलग अलग है तो हमें वर्जन की पहचान करनी होगी। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं V020, तो ये फ्लैश फाइल हमारे लिए सही है, इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे आप इस लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इस वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या किसी अदर वेबसाइट से भी डाउनलोड कर। चलिए अब हम नीचे वाले वेबसाइट पे चलते हैं, आप यहाँ पे देख लें। चलिए यहाँ पे हमने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं और इस साइड से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत सारे सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट्स किया था कि फ्लैश फाइल हम डाउनलोड कैसे करें और कौन सी वेबसाइट जो बेटर रहेगी हमारे लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी मॉडल का, चाहे वो सैमसंग का, चाहे लावा का या माइक्रोमैक्स का, एंटेक्स का, किसी का भी आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करना चाहें तो उसका मॉडल नंबर आप टाइप कर दें गूगल में, उसके बाद आपको आपकी सही वर्जन की आपको पहचान करनी होगी कि आपको कौन से वर्जन की जरूरत है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे अपना वर्जन लिखा था वो वर्जन हमारे यहाँ पे शो कर रहा है, और ये सारी फ्लैश फाइल जो है कार्बन K9 स्मार्ट की है, लेकिन इसमें से हमको सही वर्जन हमको सिलेक्ट करना होगा। तो आप देख सकते जैसे बस उस वर्जन पे हमने क्लिक किया, उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे गूगल ड्राइव में हमारा जो है डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात बता दूं आपको कि जब भी आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करें तो आप जो है उसका जो स्टॉक रूम है स्टॉक रूम से ही आप डाउनलोड करें। अगर मान के चलिए आप सैमसंग का डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें आपको ये पहचान करना है कि जो लेटेस्ट फ्लैश फाइल जो है वो किस महीने में आई है, कौन सी तारीख में आई है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सी फ्लैश फाइल को आपको डाउनलोड करना है। और जब भी आपको डाउनलोड करना है लेटेस्ट फ्लैश फाइल ही आपको डाउनलोड करना है। तो दोस्तों ये कार्बन K9 स्मार्ट का फ्लैश फाइल हमने पहले से डाउनलोड कर लिया और यहाँ इसमें दो फोल्डर है, एक डाउनलोड का फोल्डर है। तो डाउनलोड के फोल्डर में जो हमारी ये जो फ्लैश फाइल है यहाँ पे, ठीक है, इनमें से हमें जो यहाँ पे जो ये फाइल जो है हमें सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद दूसरे वाले फोल्डर में आप यहाँ पे देख रहे हैं ये दो फाइल के बारे में आपको समझा दूं। ये दोनों जो फाइल होता है जो विदाउट किसी बॉक्स के अगर आप IMI रिपेयर करना चाहेंगे तो आप IMI इन दोनों फाइल से आप रिपेयर कर सकते हैं, इसका भी वीडियो मैंने बना रखा है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप APDB फाइल और जो है BLPG फाइल, इन दोनों फाइल से आप मेडिकल बॉक्स से भी इसका IMI रिपेयर कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब SP फ्लैश टूल को ओपन करके आपको दिखाते हैं कि आपको फ्लैशिंग कैसे करना है और किस तरीके से करना है, और किस तरह से अगर आप करेंगे तो आप मोबाइल आपका सेफ रहेगा और किस तरीके से आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लैश फाइल जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट है, लेकिन अगर आपका सिलेक्ट नहीं होगा तो आप यहाँ पे जो है क्लिक करके आप फ्लैश फाइल को जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाला फाइल जो है आपको जो है सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस फाइल को जब आप सिलेक्ट कर लेंगे पूरी तरह से, जब आप सिलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद चलिए मैं आपको दिखाते हैं कि आपको फ्लैशिंग किस तरीके से करना है और कौन कौन तरीके से आपको करना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं डाउनलोड ओनली, ठीक है, और उसके बाद फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड, ठीक है। तो आप यहाँ पे फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड, अगर इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लैशिंग करते हैं मोबाइल को, इससे क्या होगा कि आपका IMEI जो है वो नल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे फ्लैश करनी चाहिए कब करनी चाहिए, जब अगर आप मान के चलिए आप किसी मोबाइल को फ्लैशिंग कर रहे हैं SP फ्लैश टूल से और फ्लैश नहीं हो रहा है, उसमें एरर दे रहा है, ठीक है, तो उस हालत में आप यहां से फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको IMEI रिपेयर करना होगा उस मोबाइल का, ठीक है। SNRI टूल से आपको जो है उसका IMEI रिपेयर करना होगा। तो आप मान के चलिए अगर आपका फ्लैशिंग सही सलामत अगर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप जो है यहाँ पे डाउनलोड ओनली से और या दूसरे ऑप्शन से आप जो है इसे फ्लैश कर सकते हैं। तो दोस्तों इस SP फ्लैश टूल में जो है फ्लैश फाइल यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, उसके बाद हमें यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद हमें अपने मोबाइल को बूट कराना है। तो मोबाइल को आप बूट जो है MTK MediaTek का जो है मोबाइल होता है एंड्रॉइड फोन, उसे आप तीन तरीके से आप मोबाइल को बूट करा सकते हैं। एक ये कि आप जो है ट्राई करें, बैटरी उसका निकाल दें और उसमें डाटा केबल लगा दें, और डाटा केबल लगाने के बाद उसका वो पावर बटन जो है आप प्रेस करें, इससे आपका मोबाइल बूट करेगा, इससे आप मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप मोबाइल में पहले बैटरी लगा दें, मोबाइल को ऑफ हालत में रखनी है और उसके बाद आप डाटा केबल जैसे लगाएंगे वैसे आपका मोबाइल बूट कर सकता है। और तीसरा तरीका यह है कि मोबाइल का बैटरी निकाल के मोबाइल का बैटरी फिर से मोबाइल में लगा दें और मोबाइल ऑफ हालत में रहनी चाहिए, उसके बाद आप उसका वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस को दोनों को एक साथ आप दबा के रखें, उसके बाद जो है उसमें डाटा केबल लगाएं, और जैसे आप डाटा केबल लगाएंगे आपका मोबाइल बूट कर जाएगा, और जैसे आपका मोबाइल बूट कर जाएगा उसके बाद आपको वॉल्यूम प्लस माइनस को आपको छोड़ देना है। तो दोस्तों ये तीन तरीका मैंने आपको बताया जो है MediaTek CPU जो है MTK IC जो है इस MediaTek जो है IC को बूट कराने का, ये तीन तरीका मैंने आपको बताया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप SPD Spectrum CPU को अगर आप बूट कराते हैं, आप चाहे मेडिकल टूल में बूट कराएं, चाहे क्रेक में बूट कराएं, और चाहे आप SP फ्लैश टूल से बूट कराएं, ठीक है, तो उसमें बूट कराने के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, उसमें भी आपको मोबाइल में सबसे पहले बैटरी लगा देना है, मोबाइल को ऑफ हालत में रखना है और वॉल्यूम प्लस माइनस का इस्तेमाल करना है, कंटिन्यू दबा के रखना है और डाटा केबल लगाना है, और जैसे आप डाटा केबल लगाएंगे तो वो मोबाइल आपका बूट करेगा, ठीक है, और जैसे आपका मोबाइल बूट कर जाएगा तो फिर आपको वॉल्यूम प्लस माइनस को आपको छोड़ देना है। ये तरीका है जो है आपका SPD CPU को बूट कराने का। और आपको और बता दूं दोस्तों मैं कि अगर आप मान के चलिए किसी क्वालकॉम मोबाइल को अगर बूट कराते हैं आप, तो क्वालकॉम मोबाइल को आप बूट कराने के लिए, क्वालकॉम CPU को बूट कराने के लिए आपको उसमें भी आपको वॉल्यूम प्लस और माइनस को आपको दबाना है। मान के चलिए उसमें फिक्स वाला बैटरी है, ठीक है, तो और फिक्स वाला बैटरी है तो उसे बूट कराने के लिए आपको मोबाइल को ऑफ कर देना है पहले, और मोबाइल जब ऑफ हो जाएगी पूरी तरह से उसके बाद वॉल्यूम प्लस माइनस का इस्तेमाल करना है आपको, कंटिन्यू दबा के रखना है और डाटा केबल लगाना है, और जैसे मोबाइल आपका वाइब्रेट करेगा और आपका मोबाइल जो डिवाइस मैनेजर में उसका क्वालकॉम लोडर शो करेगा उसके बाद आपको वॉल्यूम प्लस माइनस छोड़ देना है, तो इस तरह से आपका मोबाइल बूट कर जाएगा। और जिसमें मान के चलिए बैटरी फिक्स नहीं है उस मोबाइल को भी आप उसी तरीके से बूट करा सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मोबाइल जो कम्प्लीटली फ्लैशिंग हो चुका है, और इस मोबाइल को चलिए हम थोड़ा सा ऑन करके देखते हैं, क्योंकि ये मोबाइल जो पूरी तरह से डेड था, और चलिए देखते हैं ऑन करके इस मोबाइल को हम कि ये मोबाइल जो है ऑन हुआ कि नहीं, ये सॉफ्टवेयर जो हम अभी डाउनलोड किए थे नेट से ये सॉफ्टवेयर काम किया कि नहीं किया, तो चलिए इस मोबाइल को पहले हम ऑन करके देखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मोबाइल पूरी तरह से जो है बिल्कुल डेड था, और ये मोबाइल में जब हमने फ्लैशिंग किया तो ये मोबाइल जो कम्प्लीटली अभी ऑन हो चुका है। अभी इस मोबाइल को थोड़ा सा कम्प्लीट हम ऑन होने के देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आपने हमारे चैनल को अगर पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है और अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, उस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है तो उस घंटे को आप जरूर दबाएं। इससे क्या होगा, जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो हम अपनी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।